बड़ा दर्दनाक दिन रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश का हरदा जहां एक भीषण हादसा हुआ है, एक के बाद एक ब्लास्ट यहां पर हुए हैं। और आपको बता दें कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश का हरदा जिला जो कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, और इस बारूद में जब ब्लास्ट हुआ तो कई जिंदगियां खत्म हो गई, 12 लोगों की मौत हो गई, करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और ये घायल कुछ हरदा अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ भोपाल में भर्ती हैं, तो कुछ इंदौर रेफर किए गए हैं। इधर दूसरी तरफ इस हादसे के लिए जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। प्रमुख गृह सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी जांच करेगी और बताएगी कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं, लेकिन देखिए यहां से शुरुआत होती है। आज दिन भर का घटनाक्रम हरदा से जुड़ा हुआ आपको हम बता देते हैं। भयावह मंजर, शुरुआत कहां से हुई, जब लोग भगदड़ करते नजर आए, एक के बाद एक ब्लास्ट हरदा में यहां पर होते रहे। दरअसल पटाखा फैक्ट्री जो अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी, उस पटाखा फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला, रूह को कपा देने वाला ये मंजर। और आपको जानकारी दे दे कि अभी भी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास ही किया जा रहा है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, समय बताया गया करीब 11:30-12 बजे के आसपास, जब लोग अपने घरों में थे, कुछ काम की ओर निकल रहे थे, कुछ खेतों में जा रहे थे, तभी फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। और इस तेज ब्लास्ट से हरदा शहर दहल उठता है, जिसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई देती है और यहां तक कि दिल्ली तक इसकी आवाज पहुंचती है। क्षेत्र में धुआं फैल जाता है, रुक रुक कर एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। अब ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है, सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदार कौन है, लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सवाल है वो आपको बताते हैं। बस्ती के पास ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी फैक्ट्री कैसे चल रही थी, बस्ती के पास फैक्ट्री को संचालित करने की परमिशन किसने दी, प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था थी, और फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे क्या वो प्रशिक्षित थे, फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं थी, घरों में आग फैलने की बजाय घरों में रखा बारूद हो सकता है, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि फैक्ट्री में तो पटाखा बनाया ही जाता था, पटाखा फैक्ट्री ये थी, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इस फैक्ट्री का जो मालिक है उसने आसपास के इलाकों के घरों को भी किराए पर ले रखा था और वहां पर भी अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते थे। और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते ना केवल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ बल्कि आसपास का जो इलाका है वो भी इसकी जद में आया। सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। बंसल न्यूज की टीम लगातार यहां पर डटी हुई है, संवाददाता सूरज शर्मा मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरज, जल्दी से तस्वीरें पहुंचाइए और क्या अपडेट आपके पास इस हादसे से जुड़ा हुआ। देखिए जय, खासतौर से इस वक्त हम उस जगह पे हैं, इसको खोली कहा जाता है, जहां पर चारों तरफ आप देख रहे हैं एक छोटे छोटे कमरे बने हैं जहां पर वो मजदूर रहा करते थे और रहते थे। ऐसे में कुछ कमरों की हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर उनमें कैसा मंजर है, कितने लोग रहते थे इस घरों के सामने। एक आमतौर पर लकड़ी से जलाकर खाना बनाया जाता था और ये वो घर हैं जो अब कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपने लौट कर आएंगे। देखिए बच्चों के खिलौने हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने नजर आ रहे हैं, और अंदर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए ये वो मंजर है, बर्तन कपड़े रखे हुए हैं, सब्जियां हैं, देखिए खाना बनाने का सामान है, छोटे बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं वो खिलौने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये छत पर स्थिति देखिए, जब किस तरीके से मलबा यहाँ तक पहुंचा होगा इसके चलते खासतौर से ये यहाँ की स्थितियां नजर आ रही हैं, कपड़े हैं और एक मजदूर परिवार की जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये देखिए खाने पीने का सामान है और ऐसे हर एक घर की तस्वीर है जो कहीं ना कहीं अब इंतजार कर रहा होगा कि हाँ उसका मालिक पहुंचेगा। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं वो जानकारी के लिए। भाई साहब आप लोग भी आए हैं, किसके किसके बारे में जानने आए आप लोग? सर रोशनी। अच्छा तो बच्ची है, लड़की है क्या, कितने है सर? कितने साल की होगी? सर 6 साल की। अच्छा तो वहाँ किसके साथ रहती थी यहाँ पर? यहाँ पे उसकी मम्मी पापा, उसकी मम्मी तो एडमिट। तो
हरदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए इस वक्त पूरे हरदा शहर में खासतौर पर इस फैक्ट्री के आसपास जो घर बने हुए थे वो पूरी तरह से इसकी जद में आए हैं, परखच्चे उड़ गए। आप अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको उस जगह को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर पहले तक जो हरदा सिटी और जहाँ की तस्वीरें हैं वहाँ खुशहाली थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ ही मिनटों में ये पूरा शहर शमशान में तब्दील हो जाता है। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सूरज जरा तस्वीरें दिखाइए, और ये क्या जहाँ पर आप मौजूद हैं ये क्या मजदूरों के घर हैं? उन लोगों का क्या हुआ जो यहाँ पर रहते थे? कुछ जानकारी मिल पाई इसे लेकर, और उसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी अपडेट दीजिएगा। देखिए लगातार जो स्थान पर हम अभी खड़े हैं यहाँ पर मजदूर रहते थे, और ये छोटी छोटी खोलियां हैं, यानी इसमें एक एक कमरा नजर आ रहा है। आप देखिए एक कमरा है और चारों तरफ एक एक कमरे बने हुए हैं। बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जिनके ताले खुले हुए हैं लेकिन उनके अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के धमाके हुए उसके बाद लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ से भागे। देखिए ओढ़ने बिछाने के खासतौर से गद्दे और रजाइयाँ नजर आ रही हैं, बाकी घर में जो डेली यूज की चीजें होती हैं वो नजर आ रही हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की थी, वो अपने बच्चों को ढूंढने यहाँ पर पहुंचे हैं। क्यों यहाँ पर कितने लोग रहते हो, कुछ आइडिया आप लोगों को? सर वो तो पता नहीं मुझे। यहाँ पे जो आप छोटी बच्ची को ढूंढने आ पाए हो, आप कहाँ काम करते हो? सर हम तो पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जिनकी बच्ची है वो कहाँ है अभी? एडमिट है सर सरकारी अस्पताल में। उनके पिता? उनके पिता उनके साथ है। बच्ची अभी गायब है? यस सर। यहाँ पर कभी आए आपके पहले? इससे पहले कितने लोग यहाँ रहते थे? आए थे सर एक बार, सब रूमों पे थे सर, पांच पांच छे सब रूम पे, ऑल टोटल रूम पे बुकिंग थी। अच्छा, हर एक कमरे में पांच पांच छह छह लोग रहा करते थे? हाँ सर। तो देखिए ये बड़ी अपडेट है जया कि हर एक कमरे में आमतौर पर पांच से छह लोग रहते थे, और ये पूरी चाल एक प्रकार से यदि मैं अपने कैंप सहयोगी से कहूं तो वो दिखाएं कि ये चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हैं, इसमें हर एक कमरे में पांच से छह लोग रहा करते थे। बिल्कुल सूरज, आप तस्वीरें लगातार आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे, हमीदे अस्पताल दरअसल वो पहुंचे हैं। यहाँ पर जो एडमिट है इस हादसे से जुड़े हुए घायल लोग, उनका हालचाल जाना जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमीदे अस्पताल पहुंचे हैं। जानकारी आपको दे दें कि यहां पर बड़ी संख्या में हरदा अग्निकांड से जुड़े हुए घायल भर्ती हैं, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हरदा से गंभीर हालत में एम्बुलेंस की सहायता से भोपाल के हमीदे अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब यहां पर प्रशासन की टीम लगातार डटी हुई है, और इसके साथ ही आपको जानकारी